मेरा दशहरा निकल गया। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ व्लॉग सिंह। तो कैसे अपने भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बड़े ही होंगे। आज कुछ नहीं, मैं अगर क्या बोलना था, मैं बोल गया। हाँ, तो देखो आज के व्लॉग में मैं दिखाने वाला था रावण, पबजी वाला रावण, और भी खतरनाक रावण, उनको जलते हुए दिखाना और बहुत कुछ। बट यार दिक्कत ये है कि ये महीना मेरे लिए मेरा दुनिया का सबसे गंदा मंथ गया। इस महीने के अंदर ऐसे ऐसे सीन हुए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा ना, आप कहोगे कि यार इतना डिस्ट्रेसिंग काम है, ठीक है, बट फिर भी तुम्हारा भाई एकदम टेंशन फ्री होके मस्त मजे से व्लॉग कर रहा है। तो ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और सबसे पहली कहानी से स्टार्ट करूंगा। तो चलो देखो, तो देखो आज का दिन जो है दशहरे से एक दिन बाद का दिन है। आज मेरे चैनल पे एक वीडियो आना था जिसके अंदर मैंने आपके दशहरे का सारा काम दिखाना था जो मैंने दशहरे में रिकॉर्ड किया। बट सीन मेरे साथ ये हुआ कि सुबह मैं 8 बजे घर से निकला, पूरा रिकॉर्ड किया भाई, पूरा 8 बज के 9 बज के, रात के 11 बजे मैं घर पे घुसा। 11 बजे घर पे घुसने के बाद मैंने अपना डाटा कॉपी करा, कॉपी करते टाइम जैसे डाटा कॉपी होता रहा वो वायरस में कन्वर्ट होता रहा। एक फाइल कॉपी हुई कंप्यूटर में, मेमोरी कार्ड में वो वायरस बन जाए और कंप्यूटर में वो वायरस बन जाए, दशहरे का पूरा A to Z डाटा चला गया। बट मतलब इवन एक सिंगल क्लिप भी मैं मैनेज नहीं कर पाया सेव करना बस। और यकीन मानो रात के 2:30 बजे जब ये सीन हुआ ना, आधे घंटे के लिए मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ एक्चुअल में हो क्या गया। मतलब बहुत डिस्ट्रेसिंग था यार, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का वो, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ इस मंथ में। पहले बार हुआ था मैंने गलती से अपना कार्ड ही फॉर्मेट मार दिया था ये सोच के कि डाटा पुराना है, बट उसके अंदर एक व्लॉग रखा था पहले, तो वो व्लॉग मिस हुआ, अब ये दशहरे वाला, ठीक है। और अभी भी डर है कि अगर मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो ये डाटा भी वायरस ना बन जाए। सो थोड़ी प्रिकॉशन लेके अभी मैंने क्या करा है, पहले तो सारी दिखा दूँ कि मेरे महीने में क्या क्या सीन हुआ, ठीक है। ये चीज, इसे कहते हैं ग्राफिक कार्ड। सबसे पहले तो ये मेरा ग्राफिक कार्ड खराब हुआ, ठीक है, इसको ग्राफिक कार्ड कहते हैं, इसको ग्राफिक कार्ड खराब हुआ। अब एडिटिंग में मेरा ना जो काम एकदम मैनेज कर पाता था मैं, वो एकदम स्लो हो गई स्पीड। एडिटिंग का टाइम जो मेरा 3 से 4 घंटे का था वो 8 घंटे से भी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया। रेंडरिंग का टाइम जो मेरा 30-40 मिनट लेता था वो 3-4 घंटे से ज़्यादा रेंडरिंग टाइम बढ़ गया, ठीक है। सो देखो बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है। दूसरी बात, एक और चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं इसको ऑन करूँगा ये ऑन होगा ही नहीं, ठीक है। मैं CPU ऑन करूँगा तो ये बीप छोड़ता है, अभी छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, बट 3 बारी बीप छोड़ता है और कंप्यूटर ऑन नहीं होता, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये आ गई, अभी मैंने दोनों सीन आपको बता दिए कि UPS भी खराब हो गया, ग्राफिक कार्ड भी खराब हो गया, 2 बारी मैं अपना डाटा खो चुका हूँ, ठीक है। अभी दशहरा पे जब मैंने सेलिब्रेट किया, कुछ वीडियोस जो मैंने फोन से रिकॉर्ड करी थी, इंस्टाग्राम से सेव करी थी, वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ बचा लिया था जो कि फोन से रिकॉर्ड करा, वो देख लो। Thank you.
इतना अच्छा तो व्लॉग हुआ नहीं, बट फिर भी जो मैंने 2-3 राउंड फूकते टाइम रिकॉर्ड किया वो मैं रिकॉर्ड कर पाया था फोन से, क्योंकि कैमरा जिसी के पास था फोन मेरे पास था, तो जैसे कैसे करके फोन में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अभी देखो दिन तो खराब चल रहे हैं, आई नो कुछ गलती हुई होगी, कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा, दिन खराब चल रहे हैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते, क्लास लग गई। बट फिर भी देखो मोटिवेशन कम कभी हुई नहीं तुम्हारे भाई में से, ना कभी होगी। तो भी देखो अभी कर तो कुछ नहीं सकते, मैंने ये ब्लॉग इतने आपको बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया था कि देखो काफी टाइम से गैप आ गया इन चीजों की वजह से, कुछ इंसिडेंट चल रहे हैं लाइफ में, दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई। इस ब्लॉग में बातचीत बहुत ज्यादा हुई, छोटा सा अगर हुआ होगा मैंने देखा नहीं कितना रिकॉर्ड हो गया, बट फिर भी देखो आपसे बातचीत करनी थी, काफी इररेगुलर सा हो रखा है शेड्यूल। ठीक है, सो होपिंग कि अच्छे से हो जाएगा थोड़े दिनों में अपना शेड्यूल सेट, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके जो है जा रहा हूँ इस लाइन में अच्छे से, तो अभी थोड़ा सा एक दो दिन के बाद एक और व्लॉग आने वाला है, बट होप करता हूँ कि वो व्लॉग अच्छे से शूट हुआ है, वो डाटा सेव रहे थोड़ा सा अच्छे से। कंप्यूटर मैंने पूरा ओवरनाइट स्कैन करा है, रात को सोया नहीं, पूरा ओवरनाइट स्कैन करके अभी इस डाटा को बचाया जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने दिखा दिया क्या क्या दिक्कत चल रही थी, दशहरे का भी आपको दिखा दिया, जो जो मेन मेन थे और जो फुल जड़ी वाला रावण था ना भाई, मतलब जानलेवा था भाई। ठीक है, और अब थंबनेल के लिए मैं माफी चाहता हूँ, जो भी मैंने थंबनेल रखा होगा मुझे पता है रखा मैंने क्लिकबेट ही होगा, क्योंकि कहीं से तो व्यूज लेने हैं भाई, कलाकारी तो करनी है। ठीक है, बाकी देखो व्लॉग का आज कोई लाइक टारगेट नहीं, कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर देना, हेल्प हो जाएगी एक भाई की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बातचीत करनी है तो सबको रिप्लाई करता हूँ, सबको, बाय बाय।